भिलाई वार्ड के रहवासियों ने शराब दुकान के विरोध में स्थानीय पार्षद के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। भिलाई नगर निगम अंतर्गत वार्ड 27 की पार्षद लक्ष्मीबाई साहू के नेतृत्व में सोमवार को बड़ी संख्या में शराब दुकान खोले जाने के विरोध में अपना आक्रोश जताते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मामले में वार्ड वासियों ने कहा कि जिस स्थान पर दुकान चालू की गई है वहां घनी आबादी होने के कारण जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही शासन की गाइडलाइन का हवाला देते हुए पूर्व में उक्त जगह पर शराब की दुकान से बहुत सी दुर्घटना होने की बातें कही, जिसका परिणाम वार्ड के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसी कड़ी में वार्ड के रहवासियों ने और पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मांग ये है कि हमारे जो घर के सामने 30 नंबर वार्ड है वहाँ पे लगा हुआ मतलब एरिया है, मतलब 11,000 का एक एक वार्ड 11,000 मतलब जनसंख्या में है। वहाँ अगर शराब दुकान खुल गई तो बच्चे तो ऐसे ही मतलब नशेखोरी में, जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से नशेखोरी में लिप्त हो गए हैं, पढ़ने लिखने का नाम नहीं ले रहे। और कितना बर्बाद करना चाहेंगे, पटरी उस तरफ तो बहुत, मतलब हमारा जो नगर निगम है भिलाई वो पटरी उस तरफ तो बहुत विकास किया है, लेकिन हमारे इधर विकास नहीं कर सकते तो विनाश तो नहीं करेंगे। इतना मैं हाथ जोड़ के महापौर जी से और कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती हूँ, और जो पहले वर्तमान में जो हम लोग झेल चुके हैं वो झेलना नहीं चाहेंगे। आने इस मांग को हम आज जिलाधीश कलेक्टर से मांग करने आए हैं, इस मतलब जो शराब दुकान है उसको ना खोला जाए। हम लोग यहाँ पर शराब दुकान ना खुलने के लिए भी हम मांग करने आए हैं, क्योंकि क्या है, पहले सरकार के द्वारा मांगा, खुद स्वयं कहा गया था कि मुख्य जो सड़क है जी रोड से लगभग 500 मीटर की दूरी में शराब भट्टी होनी चाहिए। अब वो नियम कहाँ गए, हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से। वो नियम अगर पहले लागू थे तो आज क्यों लागू नहीं है? फिर अगर सुपेला की भट्टी को यहाँ स्थानांतरित किया जाता है तो क्या सुपेला के रहवासी है और हम लोग क्या वहाँ पर रहवासी नहीं है? हम ये पूछना चाहते हैं। आयुक्त महोदय के पास हम गए थे लेकिन उनके द्वारा घोलमोल जवाब दिया गया, और उनका कहना है कि जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे के आधार पे हमें वहाँ पर कोई दूसरे भवन बनाना चाहिए। हमारे पास इतने कोई धनराशि तो नहीं कि जो हम अलग से कोई भवन बना के दे दें, और ये क्या कोई हमारे पर जोर जबरदस्ती थोड़ी है कि सुपेला का हस्तांतरित करके हमारे इस स्थान पर वार्ड नंबर 30 में ये भट्टी करना का क्या कोई ज़रूरी है? कि अगर है तो जिस जगह पर है वहाँ पर ही कहीं पर कोई रिक्त स्थान देख करके वहाँ स्थानांतरित कर देना चाहिए। और हमारी मांग ये है कि इस तरह की शराब दुकानों को, चाहे व्यवसाय का स्थान हो चाहे रहवासी का स्थान हो, वहाँ से बिल्कुल दूर हटाना चाहिए। हमारी यही मांग लेकर हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। साहु केम्पुअन शास्त्री नगर से, वहाँ पे दारू भट्टी जो बंद हो गई थी बहुत 4 साल पहले, फिर से वहाँ पे खोला जा रहा है, उसके कारण हम लोग को बहुत वार्डवासी को परेशानी होती है। हमारे घर से परिवार जो है दारू पी के इधर उधर मतलब आना जाना करेंगे तो रास्ता वहाँ रोड है, वहाँ पर खतरा है, दारू भट्टी ना खुले। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।